मास्टर शेफ प्राची, कैसी हो, क्या कर रही हो? शाम को ना बहुत बड़ी मीटिंग है, उसी के प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही हूँ। ओहो, सरकास्म ना? तुम्हें हेल्प चाहिए क्या कोई? नहीं। अरे मैं कर देता हूँ ना। क्या कर रहे हो तुम? I will add some salt. नहीं नहीं नहीं, नमक में डाल, चुकी कम बिगाड़ दोगे मेरे। रखो। ओह सॉरी सॉरी, बट देखो तुम मुझे प्लीज हेल्प करने दो ना, मैं दिल से हेल्प करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तुम हेल्प रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं आता। मुझे बहुत कुछ आता है प्राची, मैं तुम्हारे लिए यहाँ बैठ के इतनी अच्छी शॉपिंग कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नमक प्याज शिमला मिर्च सब अच्छे से यूज कर सकता हूँ। ये है ना, तुमने अभी तक आटा ही नहीं गूंदा, मैं आटा गूंदूं? नहीं, वो मुझे करना है और इतना काम है नहीं रणवीर, इसलिए कह रही हूँ मैं कर लूंगी। प्राची प्लीज करने दो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज। अच्छा क्या लगेगा तुम्हें? तुम्हें अच्छा लगेगा मस्ती करना, शैतानी करना, है ना, यही अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, मस्ती वस्ती नहीं, मैं सच में तुम्हारी हेल्प ही करना चाहता हूँ, ऑनेस्टली। अरे तुम मुझे एक मौका तो दो, मैं इतना ज्यादा सॉफ्ट आटा गूंदूंगा ना कि रुमाली रोटी नहीं रेशमी रोटी बनेगी। ट्रस्ट मी, देखो और सीखो। क्या सीखो तुमसे? तुम्हारी तरफ बदमाशी करना। थोड़ा सा सीख लो ना। तुम्हें पता है ना तुम पागल हो। पागल तो मैं हूँ तुम्हारे प्यार में। अच्छा अब जाओ, मेरा हो गलती से हो गया वो। गलती से हो गया? ऐसी कोई गलती नहीं होती प्राची, तुमने जानबूझ के किया। जानबूझ के क्यों कर रही हो? तुमने जानता ऐलान कर दिया। नहीं हाँ, नहीं नहीं रणवीर, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसी होली खेलने वाला हूँ ना। चाइना सॉरी, वो ना मैं गेस्ट रूम जा रही थी और गलती से यहाँ आ गई। तो तुम गेस्ट रूम जाओ ना, आई मीन वो सामने से राइट साइड पे, वहाँ पे गेस्ट रूम है। ओके थैंक यू। क्या करते रहते तुम? क्या करते रहते हो? इतने लोग क्यों हमारे घर में? वैसे आटा तो अभी गूंदना बाकी रह गया। फोन क्यों आते रहते हैं यार इतनी? ये तुम जानबूझ के कराती हो ना, है ना? शायना को तुमने बुलाया, फोन जानबूझ के तुमने करवाया ताकि हम दूर हो सके। हाँ हाँ मैं ही करती हूँ सर, जादू से। जादू करनी तो तुम हो, तभी तो तुम मेरे दिल ऐसे चुरा लिया जादू से। एक सेकंड, मैं फोन उठा के। सेकंड रिया। अरे शायना सी, आई कैन वॉक, देखा मैं चल सकती हूँ, बस ये लोग ना मुझे क्या हुआ? चल तो रही है पर तुझे दर्द नहीं हो रहा? ऑफ कोर्स दर्द हो रहा है शायना, पर जल्दी से ठीक होना है। मैं इस बेड में जितनी देर पड़ी रहूंगी ना उतना देर मीरा और प्राची साथ में रहेंगे और वो दोनों साथ में रहेंगे तो नो 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 आई हैव टू आउच। अरे चल वहां पे बैठ आराम से। अरे शायना इट्स ओके, हां चल चल आराम से बैठ जा। अरे मैम अभी ना यहाँ चुप करके बैठ जा, और मुझे ना ये कैटवॉक दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तू कितना चल सकती है और कितना नहीं। और फिर रणबीर और प्राची का जाना भी तो कैंसिल हो गया, और तू इस बात पे खुश भी है? खुश कैसे ना हूं, जस्ट इमेजिन शायना अगर वो दोनों ट्रिप में चले जाते तो वहाँ कोई नहीं होता, मैं भी नहीं, फैमिली मेंबर्स नहीं, यहाँ है तो कम से कम मैं उन पे नजर रख सकती हूँ, उन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ, और मैं जो चाहती हूँ ना वो करवा सकती हूँ, वहाँ वो दोनों साथ में रहते तो आई कांट इवन इमेजिन। पर रिया तू उन्हें रोमांस करने से तो नहीं रोक सकती है ना? डोंट गेट मैड, पर वो दोनों हस्बैंड वाइफ है शायना। रिया उन्हें रोमांस करने के लिए किसी स्पेशल जगह या टाइम की जरूरत नहीं है। मैं उन दोनों को किचन में रोमांस करता हुआ देखकर आ रही हूँ। रणबीर प्राची की किचन में कुकिंग में हेल्प कर रहा था और साथ में उसे छेड़ भी रहा था। He is such a sweet husband, जो अपनी वाइफ के साथ कहीं भी रोमांस कर सकता है। मैं तो ये सोच रही हूँ जो अपनी वाइफ के साथ किचन में इतना रोमांटिक है वो उसके साथ रूम में कितना रोमांटिक होगा। That's it, China. कुछ नहीं सुना, समझ गई तू? बट रिया मैं तुझे कोई लव स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, मैं तुझे रियलिटी बता रही हूँ, ये सच्चाई है। और ये दोनों अलग अलग है, जो तूने देखा ना दैट वॉज द रियलिटी, लेकिन इट्स टेम्पररी, लेकिन बहुत जल्द रियलिटी बदलने वाली। और रियलिटी क्या होगी? रणबीर और रिया, और ऐसा होगा क्योंकि मैंने सब कुछ प्लान करके रखा है, सब कुछ सोच के रखा है। बट रियलिटी कभी कभी बदल, दैट्स इट शायना, इनफ, just leave me alone for a while. पर रिया तेरे अकेले रहना ही तेरे लिए ठीक नहीं है, अकेले रह रहकर तूने अपनी ये इमेजिनरी लाइफ बना ली है, पर रियलिटी ये है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और खुश है। खुश तो तू भी बहुत है ना अपने हस्बैंड के साथ और वो तेरे साथ, फिर भी तू यहाँ है क्यों?
क्योंकि हम दोनों का झगड़ा हुआ है और झगड़ा किस हस्बैंड वाइफ में नहीं होता। तो झगड़े को परमानेंट मत बना, बात कर उससे, मनाने की कोशिश कर, या फिर जाके अपने होटल में रह। रिया तुम कभी नहीं बदल सकती। प्राची, सिड ने तुम्हें थैंक्स क्यों बोला? बिकॉज मेरे एग्जिस्टेंस के लिए वो थैंकफुल है। वो तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें थैंक्स किसी रीजन की वजह से बोला था। वो वजह क्या है? तुम्हें क्यों जाननी है वजह? क्योंकि मुझे ना एक अंदर से फीलिंग आई। क्या? मुझे ये फीलिंग आई है कि तुमने सिड को घर पे बुलाया। सच बोल रहा हूँ ना? मे बी और मे बी नॉट। आंसर मी। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आए सिद्धार्थ? तुम्हारी तो कॉन्फ्रेंस ही ना मुंबई में। मैं तुम्हारे लिए आ रही हूं, आई वाज कंसर्न्ड फॉर यू। अरे मैं मर नहीं रही हूँ, इट्स जस्ट अ नॉर्मल ट्विस्ट। मोच लगी, ये लो देखो, तुम्हें चल के भी दिखाती हूँ। मैं खुद से चल भी सकती हूँ। आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड एनीबॉडी। वो शादी क्यों की मुझसे? सिद्धार्थ मेरा मुंह खुलवाओ, तुम जानते हो कि हमारी शादी कैसे हुई। तुम्हें शादी से प्रॉब्लम? मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम चाहते हो कि मैं इस घर में तुम्हारे साथ ना रहूं, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ही ना रहूं, या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे आसपास ही ना रहूं? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे आसपास भी रहो। मेरा दम घुट है तुम्हारे साथ। रिया की तो जान में जान आ गई होगी सिड को अपने पास देखकर। देखा, मुझे पता था तुमने ही सिड को बुलाया। आई न्यू इट। हाँ बकलू, मैंने ही बुलाया। पता है जब मैंने सिड से कहा ना कि रिया के पैर में चोट लगी है, तो उस पागल ने क्या कहा? क्या कहा उसने? आई नो। और जब मैंने उससे कहा कि उसकी बीवी को उसकी जरूरत है, उसे घर आ जाना चाहिए, तो पता है पागल ने क्या कहा? आई नो। नहीं। फिर? उसने कहा उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। अरे यार, वो कुछ भी बोलता है तो वो पागल है, उसकी बात मत सुन। एग्जैक्टली। यू नो आई नो कि दोनों में लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, इसलिए मैंने सिड को प्यार से समझाया कि देखो चाहे जो हो जाए, लड़ाई को ना खींचो मत। ऐसे खींचने से ना प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, रिलेशनशिप में टेंशन हो जाएंगी, और टेंशन ना किसी भी रिश्ते के लिए सही नहीं होता। कम्युनिकेशन जरूरी है। मैंने उसे कहा कि तुम बात करो, बैठ के बात करोगे ना सब सुलझ जाएगा। यू नो हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी को भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, तब तुम्हें साथ होना चाहिए। साथ होना ना हर प्रॉब्लम का सलूशन है। क्या बात है प्राची, बड़ी समझदार हो गई हो तुम। भाई स्मार्ट है। मुझे ऐसा लगता है तुमने इतनी प्यारी बातें करी ना, तुमने ये बातें जब सिट से करी होगी तो सब ठीक हो जाएगा, सब समझ जाएगा। वैसे कहाँ से आया तुम्हारे अंदर ये? आई थिंक मम्मी टीचर है ना, और बेटी लव गुरु। चुप करो, मैं कोई लव गुरु नहीं, बस चाहती हूँ कि अपनी बहन की मैरिड लाइफ ठीक हो जाए। नई नई शादी हुई है, कंपैटिबिलिटी के इश्यूज तो होंगे ही ना। देखना वो लोग बात करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला। मैंने बहुत कोशिश की हमारे बीच में चीजें वर्कआउट कर जाए, बट तुम मेरे साथ ही नहीं रहना चाहती। अब मुझसे और नहीं होने। मुझसे भी नहीं होगा सिद्धार्थ। क्या नहीं होगा तुमसे? तुमने किया ही क्या? मैंने क्या किया? तुम्हें सिर्फ शिकायत करनी तो आती है, सिर्फ शिकायत करती हो तुम। यू नो व्हाट, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनाया जाता है। तुम तो ये शादी नहीं चाहती थी ना, तुम्हारा दम घुटता मेरे साथ। हाँ हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सिद्धार्थ कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, मुझे इस शादी से प्रॉब्लम है। ये एक ही बार को कितनी बार पूछोगे? अब नहीं पूछूंगा, अब पूछेगा मेरा लॉयर तुमसे। तो मेरे रिश्ते से प्रॉब्लम है ना, तो इस रिश्ते को ही खत्म कर देते। बहुत जल्द डिवोर्स पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे, तब तक के लिए इस रिश्ते को थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। सिद्धार्थ डिवोर्स तो मुझे भी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। जब तक रणवीर प्राची को छोड़ नहीं देता, तब तक तो नहीं। तुम्हें क्या लगता है उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें बड़ी जल्दी है। अरे जल्दी नहीं है एक्चुअली, तुमने उनको इतनी प्यार से समझाया तो प्यार तो होना ही था ना। क्या? अरे मेरा मतलब मेरी लव गुरु, इतनी स्मार्टली तुमने इतनी प्यार से किसी को समझाया, तुम्हारे जो स्टूडेंट्स है उनको समझ में तो आ ही जाएगा ना। एंड प्लस ऑनेस्टली बताऊं, थैंक यू सो मच तुमने ऐसा किया, क्योंकि मैं ना इतना रिलीव्ड हो गया हूँ। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि उनके बीच में सब ठीक होगा कि नहीं होगा, और ये सुनने के बाद ना आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। प्लस मुझे रिया की बहुत टेंशन हो रही थी। क्यों? रिया की क्यों टेंशन हो रही है? तुम ना अपने भाई के बारे में सोचो, रिया को मुझ पे छोड़ दो, मैं संभालूंगी उसे। क्यों? तुम जेलस हो रही हो है ना? रिया का नाम क्या ले लिया मुंह से, एकदम मुझे दूर पे चली गई। जेलस?
मैं हाँ। रिया से रिया मेरी बहन, बहनों में कोई जेलसी नहीं होती, समझे बकलू। मेरी कान 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 की हड्डी टूट गई, कान की हड्डी टूट गई। झूठे हाँ, सच्ची बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा दिखाओ, फ्रैक्चर लड़ना पड़ जाएगा कान पे। देखो क्या हो गया, ये देखो कहाँ है, कान में हड्डी होती है। बेवकूफ तुम, बेवकूफ। तनु तुम झूठ बोल रही हो। अलिया गलती तुम करोगी और ब्लेम मुझे करोगी। तुम्हारी वजह से बिजनेस की सारी डील है वायर हो गई। तुम्हारी वजह से, कमी मुझ में नहीं, कमी तुम में थी, तुम्हारी प्लानिंग में थी। तुम्हारी वजह से टेंडर प्रक्रिया की कंपनी को गया। अब वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, ज्यादा इज्जत, ज्यादा पैसे, ज्यादा पावर, और वो गरीब कंगाल गौरव और ज्यादा गरीब बन जाएगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम प्रक्रिया की जड़ें काटने वाली थी ना, तुम उसकी जड़ों को पानी देकर आई वालिया, जो और मजबूत हो जाएगी। तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करती अपनी फेलियर, क्यों नहीं देखती कि तुम्हारी वजह से लोग बर्बाद होते। मुझे ऐसे मत देखो आलिया, लाइव एग्जांपल तुम्हारी आंखों के सामने। अब जो गौरव की हालत होने वाली है ना, तुम्हारी वजह से होने वाली है, या ये कहूँ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से होने वाली है। खैर क्या फर्क पड़ता है, जो अपने भाई का डाउनफॉल देख सकती है वो तो किसी का भी डाउनफॉल। पास्ट की बात मत करो, प्रेजेंट की बात करो। इस वक्त मुझे गुस्सा सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि 50% मेरे हाथ से निकल गया, और वो टेंडर मेरे हाथ से निकल गया जो मेरे पास आने वाला था, और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे डबल क्रॉस किया है। वो टेंडर तुम्हारी वजह से प्रज्ञा के पास चला गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें डबल क्रॉस किया, वो भी प्रज्ञा के लिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, क्योंकि तुमने वो फाइल मेरे हाथ में देख ली थी। तनु तुमने देख ली थी वो फाइल छुपाते हुए, फिर सो गई होगी तुम कि मैं क्या करने जा रही हूँ। जाके चेक किया होगा तुमने वो फाइल, और जब तुम्हें सारी डिटेल्स मिल गई, तुमने वो सारी डिटेल्स जाके प्रज्ञा को दे दी। मैंने प्रज्ञा को डिटेल नहीं, और ये प्लेन करने तो लॉजिक तो लगाओ। मैं प्रज्ञा की हेल्प क्यों करूंगी, तुम्हारे सिवा और कौन करेगा। सारी डिटेल से तुम्हें पता थी। चलिए दीदा मैं ले चलती हूँ। पुत्र तूने पूरा दिन ना घर के कामों में वेस्ट कर दिया। अरे तू अपनी पैकिंग क्यों नहीं करती। नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रही। पुत्र मैं तेरे और रणवीर के हनीमून की बात कर रही। मैं भी उसी की बात कर रही हूँ दीदा। हनीमून पे कोई जाएगा तो सिड और रिया। मैं चाहती हूँ वो दोनों अकेले जाए, पहली बार अकेला टाइम मिल रहा है ना उन्हें, अच्छे से एंजॉय करे, स्पेंड करे, उन्हें डिस्टर्ब ना हो बस। चाहती तो मैं भी नहीं हूँ कि हमारे साथ चले, पर अब इसकी जरूरत है। लेकिन अगर इसने पहले से ही मन बना लिया है ना जाने का, तो इसे ले जाना मुश्किल होगा। क्या करूं, उसे कैसे साथ लेकर जाऊं। फ्रेशन अप होके रेडी हो गई, जल्दी मेरे पास। नहीं मैं आ गई तैयार होके। पता क्या प्रॉब्लम है? तुझे कैसे पता की प्रॉब्लम है? तभी तो तू एक ही घर में रहके मुझे कॉल कर रही है। टाइम नहीं है, क्योंकि मम्मी चाहती है कि हम सब हनीमून पे जाए। सिद्धार्थ, मैं, प्राची और रणबीर। ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती थी कि पहले प्राची आए, लेकिन अगर प्राची नहीं आएगी तो फिर रणबीर कैसे आएगा, है ना? ओ हो रिया, प्रॉब्लम क्या है ये तो बता। प्रॉब्लम ये है कि अब प्राची हनीमून पे जाना नहीं चाहती। हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि पल्लवी आंटी उसे जाने के लिए फोर्स करेंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो प्राची को पसंद नहीं करती, और ना ही वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करेगी। वो सब तो मुझे पता है। पता है मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि प्राची मम्मी को सामने से मना करे कि वो हनीमून के लिए नहीं जाना चाहती। मम्मी की ईगो हर्ट हो जाएगी, और मम्मी पूछेगी कि ऐसे कैसे मुझे मना कर दिया, और फिर मम्मी प्राची को फोर्स करेगी कि उसे हनीमून के लिए जाना ही होगा। इतना क्या सोच रही है? ये काम तो तेरी दादी सासी कर देगी। वो कहते हैं ना कि घर के बड़े बूढ़े अगर कुछ कहे तो उनकी सुनवाई जल्दी होती है। अरे वो कर देती, लेकिन वो ऑलरेडी मुझ पर शक करती है, उन्हें ऑलरेडी मुझ पर डाउट हो गया, और वो तो कोशिश करेंगी कि मैं और रणबीर कभी पास में ना आए, एक दूसरे से दूर रहे। नीता मम्मी से कभी नहीं कही कि प्राची को भी हमारे साथ हनीमून के लिए चलना चाहिए। दीदा एक कंडीशन पे बोल सकती है मम्मी को। कौन सी कंडीशन? रिया देख, मैं तेरी दोस्त हूं, तुझे अच्छा सजेशन ही दूंगी। तुझे ना अपनी शादी में खुश रहना चाहिए। जो पास्ट में हो सब भूल जा और आगे की सोच। ऐसे कैसे पास्ट को बुला दूं मैं? रणबीर और प्राची एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, तू क्यों उन दोनों के बीच आ रही है? वो दोनों खुश नहीं है शायना, मैंने खुद उनकी बातें सुनी है। वो दोनों बस खुश होने का नाटक कर रहे थे। प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी इन अवर मैरिड लाइफ। उन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ नहीं है, दोनों दोस्त की तरह रहते हैं। तुझे तो याद है ना कि उन दोनों की शादी कैसे हुई थी? दोनों फैमिली के बीच में झगड़े हो गए थे, रणबीर को घर छोड़ना पड़ा था, और तू ही बता, इतना सब कुछ होने के बाद उन दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएंगी।
आई एम टेलिंग यू वी आर जस्ट प्रिटेंडिंग. वो लोग बस नाटक कर रहे हैं कि वो दोनों खुश है, हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, पर एक्चुअली में उन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं है. ये क्या बोल रही है तू? आई स्ट्रांगली फील ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन दोनों के बीच में हनीमून नहीं है. पता है शाना, अगर उन दोनों के बीच में हनीमून सेलिब्रेट हो गया ना, आई स्ट्रांगली फील कि वो दोनों एक दूसरे के पास आ सकते हैं. दिल गेट टू नो ईच अदर बेटर. वो दोनों क्लोज आ जाएंगे एंड शायद फिर मैं रणबीर को लेके अपने पास के बारे में सब भूल जाऊंगी. ओह माय गॉड, मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए. किसी ने कुछ सुन लिया ना तो मुझे ही सुनना पड़ेगा. चलिए सर. प्राची, आप उतर. उन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ नहीं है. दोनों दोस्त की तरह रहते जी. एक बात बता, तू हनीमून पे क्यों नहीं जाना चाहती? दीदा मैंने बताया तो था, सिड और रिया डिस्टर्ब हो जाएंगे. मैं चाहती हूँ वो अकेले जाए. इतनी सी बात के लिए तू हनीमून पे नहीं जाएगी? तू चल मेरे साथ. कहाँ? तू चल तो. अरे कहाँ ले जा रही? तू चुप. यस मिस्टर शर्मा, प्लीज सेंड मी द मेल. नो दैट्स ऑल राइट. मैं कैन आई कॉल यू बैक मिस्टर शर्मा? यस थैंक यू. पल्लवी मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है. क्या बात करनी है मम्मी जी, बताइए. मैंने सुना है कि तूने राजेश्वरी जी को ये कहा है कि तू सिड और रिया के साथ साथ प्राची और रणबीर को भी हनीमून के लिए भेजेगी. हाँ कहा तो था. क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, मतलब प्राची को ऐसा लग रहा है कि अगर वो हनीमून के लिए जाती है तो वो सिड और रिया को डिस्टर्ब करेगी, मतलब उनकी ट्रिप खराब हो जाएगी. अब इसमें डिस्टर्ब करने वाली बात कहाँ से आ गई? रणबीर सिड का भाई है, तुम रिया की बहन हो, अनजान लोगों के साथ थोड़ी जा रहे हो. वैसे भी रिजॉर्ट इतना बड़ा है, तुम दोनों के कमरे भी पास पास में नहीं है. आई डोंट अंडरस्टैंड, ये डिस्टर्ब करने वाली बात कहाँ से आ गई? वही तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा क्यों सोच रही. लेकिन ये सुने तब ना. व्हाटएवर, तुम लोग साथ में ही जा रहे हो एंड दैट्स फाइनल. रिया तेरा आइडिया काम कर गया. अब प्राची मना नहीं कर पाए. प्राची जा अपने बैग्स पैक कर लो. और सुनो, गरम कपड़े पैक करना, वहां ठंड होगी. क्या हुआ मम्मी जी, आप मुस्कुरा क्यों रही है? इतना अच्छा वेदर आज है ना, परफेक्ट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव. मुझे ऐसे लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत अच्छा लगता है, जाते हुए व्यू एंजॉय करते हुए जाना. वैसे व्यू तो रिजॉर्ट का भी काफी अच्छा है. मैंने पिक्चर देखी थी इंटरनेट पे, तुम देखना चाहोगी? तुम्हें देख रही हुई कम अनोइंग है. क्या मैंने सुना नहीं. मैं तुम्हारे साथ जा क्यों रही हूँ? क्या मतलब, मेरे साथ नहीं जाओगी तो किसके साथ जाओगी? मेरे पास ऑप्शंस थे. और रिया, तुम्हें काम करो, तुम सिर्फ गाड़ी चलाओ एंड डोंट टॉक टू मी. रिया मैं बस, जस्ट स्टॉप इट ओके, कीप क्वाइट एंड कीप ड्राइविंग. आज तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं चाहता हूँ कि आज तुम बात करो, मैं तुम्हारी सुनना चाहता हूँ. पर मुझे तो तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगता है. हाँ हाँ, तो मैं तुमसे बात तो करता ही रहता हूँ ना नॉर्मली, लेकिन हम ये नहीं देखते ना, इतना अच्छा व्यू, इतनी अच्छी सीनरी. एक काम करो, तुम वीडियो बनाओ यहाँ पे, कुछ ब्लॉग व्लॉग बनाओ, कुछ वीडियो बनाओ, लोगों को बताओ हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके हम क्या क्या. हेलो, हम अपने हनीमून पे जा रहे हैं, पर्सनल बातें थोड़ी ना शेयर करते किसी से. अरे आई नो, बट लड़कियों के पास टैलेंट होता है ना, वो एक चीज के बारे में बोलती रहती. लड़कियां ना ऐवे बदनाम है बातें करने के लिए. तुम भी तो बातें करते हो. और लड़कियां इसलिए बातें करती क्योंकि वो अपने दिल में कुछ नहीं रखती. अच्छा, तो तुम यही कहना चाहती हो कि अगर लड़के बात नहीं करते तो इसका मतलब दिल में बहुत कुछ रखते हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ तुम बात करो. देखो आज मौका है, दस्तूर है, अपने दिल की बात कह ही दो. अगर मैंने अपने दिल की बात कह ही दी ना प्राची, तो ये सफर जो है ना कभी खत्म ही नहीं होगा. मैं चाहती नहीं हूँ ये सफर खत्म हो. लेकिन मैं चाहता हूँ ये सफर जल्दी जल्दी खत्म हो ताकि हमारा हनीमून जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाए. ये क्या कर रही हो तुम? क्यों, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकती? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स पकड़ सकती हो तुम. रहने दो, शायद तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, मैं नहीं पकड़ती. अरे नहीं नहीं, रखो ना. अरे देखो देखो देखो. अरे देख ही तो रहा हूँ. मुझे नहीं, सामने देखो और हाथ यहाँ रखो. अरे मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है. रुको, 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 रुको.
गाड़ी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सामने देखो सिड और रिया। सिड? अरे सिड और रिया ही तो हैं प्राची, तुमने तो मुझे ऐसे डरा दिया सामने से जानवर आ गया जैसे। पर ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? पता नहीं। डिक्की खोल, सामान रखना अंदर। एक सेकंड रुक। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हुए थे? बड़ी अजीब सी बात हुई, मेरी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल कैसे खत्म हो गया गाड़ी का? गाड़ी का पेट्रोल तो हमने कल डलवाया, साथ में डलवाया। हाँ मैं भी हैरान हूँ, कल पूरा टैंक फुल कराया था, आज इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकता है? यार मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई स्कैम वैम है, दिखाते हैं पेट्रोल की टंकी फुल है लेकिन होती नहीं है। अब सिद्धार्थ रिलैक्स ना, अब रणबीर आ गया है तो और क्या चाहिए। मुझे क्या लग रहा है, मुझे प्राची की सुन लेनी चाहिए। बेचारी प्राची कह रही थी हम एक गाड़ी में जाते हैं आराम से, लेकिन मैं नहीं बोला हम एक बार वहां पहुंच जाएंगे तो किसी को अगर साइट सीइंग का मन है या किसी को कहीं और जाना शॉपिंग वॉपिंग करने तो उनके लिए दो दो अलग गाड़ी होती है। वैसे प्राची बिल्कुल सही कह रही है, वी आर डेस्टिन टू बी टुगेदर। अब चले? हाँ लेट्स गो। ओह गॉड, व्हाट द हेल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? प्राची रणबीर के साथ जा रही और मैं, मुझे सिद्धार्थ के साथ जाना पड़ रहा है। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा क्यों नहीं होता है? क्यों क्यों? हेलो, हाँ मैं दो तीन दिन ऑफिस नहीं आऊंगा, कुछ काम हो तो मुझे मैसेज कर देना। ओके ये सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सोचो तुम जब मिल जाओगे तो क्या क्या करूंगी। बस एक बार बूजी का आइडिया काम कर जाए फिर तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम मेरे बिना ही आ गई? मैं बच्ची नहीं हूँ और मैं पहली बार रिसॉर्ट भी नहीं आई। I can find my own ways. God, जिसके लिए वेट कर रही हूँ वो तो अभी तक आया ही नहीं। जी सिद्धार्थ मेरे पीछे पीछे, ये रणबीर कहाँ रह गया? रिया, I'm really sorry. Actually, कार खराब हो गई थी। I mean, पेट्रोल खत्म हो गया था। I don't care. Look, रिया, I'm really sorry. मुझे पता तुम इसी बात पे अपसेट हो मुझसे। सिद्धार्थ प्लीज एक ही चीज को बार बार रिपीट मत करो, और बार बार रिपीट करके ना तुम मुझे इरिटेट कर। एक काम करो, तुम रणबीर को बुलाओ, कॉल करो उन्हें, प्राची को भी कॉल करो, पूछो उन्हें कहाँ रह गए ये दोनों। ओके फाइन, आई थिंक उन लोगों के आने के बाद ही तुम्हारा मूड ठीक होगा। उसमें कोई शक नहीं, और तुम सिली सवाल पूछोगे तो उसका जवाब भी ऐसे ही मिलेगा ना। जाओ जाके देखो ना वो दोनों कहाँ रह गए, कॉल देम। अरे कहाँ थी तुम? आओ
तुमने दो रोना दिया। और तुम कहाँ थे तुम? हाँ कितनी देर लगा दी? क्या देख रहे हो? हमेशा ना लड़कियों की गलती नहीं होती, तुम्हारी भाई की वजह से लेट हुए हम। इतना टाइम लगा ना तैयार होने में, पूछो जरा। सही में? अरे क्या बातें हो रही है? बातें नहीं, शिकायत हो रही है तुम्हारी। शिकायत कर रही हो मेरी? ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ थी। आई नो तुम ये क्यों कर रही हो। तुम इसलिए कर रही हो ना क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे परेशान नहीं कर सकता। क्योंकि हम हनीमून पे। हम हनीमून पे? वाओ, कमाल की बात है प्राची, तुमने हाथ हटाया नहीं। तुम्हें नहीं पता हम हनीमून पे हैं। अरे लेकिन तुम लोग भी तो हनीमून पे हो, साथ में बैठो ना। बैठ, सिट 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 सिट, एक दूसरे का हाथ तो पकड़ो यार, क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना तुमसे, इसलिए मैं नहीं आई। अरे हमारी वजह से थोड़ी कॉन्शियस हो रहे हैं। और सिर्फ हमारे सामने तुमने रिया की मांग में सिंदूर भरा था, और तुम लोग ऑफिशियली शादी शुदा हो यार, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो साथ में, कम से कम हाथ तो पकड़ ही सकते हो। कम ऑन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो रणबीर? मैं किसी और का हाथ कैसे पकड़ सकती हूँ? मैं अगर ऐसा करूंगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? डराई दिया ही नहीं। अरे मजाक कर रही थी, स्पेशली तुम्हारे साथ। मेरी जगह उसने जवाब दे दिया है ना। बड़ा अजीब सा मजाक है, मैंने सवाल तुमसे पूछा, जवाब तुमने क्यों दिया? क्योंकि वो साली है ना तुम्हारी, इसीलिए मेरी जगह उसने जवाब दे दिया है ना। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, ना तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ रहा था। मुझे तुम ऐसे बोल क्यों रही हो? क्योंकि हम हनीमून पे हैं। तुम्हें लगा मैं तुम्हें डांट दूंगी? नहीं, क्योंकि हम हनीमून पे हैं। सॉरी, वो गिर गया था।